Okay, so Bismillah Rahman Rahim. This is our new lecture of Transportation Engineering 1. Okay, so in this class, we'll be discussing about the level of service and capacity analysis. ठीक है, इससे पहले हमने ट्रैफिक सिग्नल के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद ट्रैफिक स्ट्रीम करेक्टरिस्टिक्स जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पीड्स हमने डिस्कस किए, और उसको डिटेल में जो है हमने कल उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए. आज की क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैपेसिटी एंड लेवल ऑफ सर्विस, ठीक है, ऑफ द हाईवेज. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय, सबसे पहले हम कैपेसिटी को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड्स होंगे वो लेवल ऑफ सर्विस के हवाले से होंगे. अब व्हाट इज कैपेसिटी? Most critical needs in traffic engineering is a clear understanding of how much traffic a given facility can accommodate and under what operating conditions. ठीक है, सबसे जो important knowledge है या in understanding है traffic engineering के हवाले से वो ये होनी चाहिए, वो ये knowledge होती है कि एक particular facility या एक particular highway जो है वो कितना ट्रैफिक जो है वो अकोमोडेट कर सकती है, अंडर व्हाट, अंडर सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशंस. ऑपरेटिंग कंडीशंस का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर रोड के ऊपर जो ऑपरेशन है वो किस कंडीशंस के थ्रू वो रोड ऑपरेट हो रहा है. मतलब ये है कि वो मोटरवे है या हाईवे है, तो मोटरवे की अपनी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, हाईवे या आर्टीरियल रोड की अपनी ऑपरेटिंग कंडीशंस है. ठीक है, हाईवे अगर हम बात करें तो क्या सिग्नलाइज्ड हाईवे है या अनसिग्नलाइज्ड सिग्नल फ्री कॉरिडोर है. अगर हम मोटरवे की बात करें तो जो जो एक्सेसिबिलिटी है वो कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड एक्सेसिबिलिटी है. तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो ऑपरेटिंग कंडीशंस में आती हैं. अब उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशंस में कोई भी पर्टिकुलर फैसिलिटी यानी रोड की बात हो रही है वो कितना ट्रैफिक एकोमोडेट कर सकती है, तो इसको हम कहते हैं कैपेसिटी. ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग को या इस नॉलेज को हम कहते हैं कैपेसिटी. सो दीज इंपॉर्टेंट इश्यूज आर एड्रेस्ड इन द कैपेसिटी एंड लेवल ऑफ सर्विस एनालिसिस. अब व्हाट इज कैपेसिटी, ये एक बहुत कंसाइज एंड प्रिसाइज डेफिनेशन है ऑफ द कैपेसिटी. इसमें हर चीज को मैंने डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया है और उसको स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन भी करूंगा. सबसे पहले कमिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द हाईवे कैपेसिटी, द मैक्सिमम आवरली रेट एट विच पर्संस और व्हीकल्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ट्रेवर्स a point or uniform segment of a lane or roadway during a given time period under prevailing roadway traffic and control conditions. तो आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. The maximum hourly rate का क्या मतलब है, यानी मैक्सिमम फ्लो रेट की बात हो रही है. पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि फ्लो रेट क्या है, यानी इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स. मैक्सिमम आवरली रेट का क्या मतलब है, इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स एट अ गिवन टाइम, ठीक है, जो कि पीक आवर होता है. ठीक है, एट विच पर्संस और व्हीकल्स, पर्संस भी कैपेसिटी में शामिल है और व्हीकल्स भी कैपेसिटी में शामिल है. पर्संस कब कैपेसिटी में हम लेते हैं, अगर हम किसी मास ट्रांजिट सिस्टम की बात करते हैं तो मास ट्रांजिट सिस्टम में तब जो है हम कैपेसिटी जो है वो चेक करना चाहते हैं ऑफ द पर्संस, कि ये एक पर्टिकुलर मास ट्रांजिट सिस्टम है, बीआरटी है, ये कितने बंदों को एकोमोडेट कर सकता है, कितने पर्संस इसके इसमें ट्रेवल कर सकते हैं इन द पीक आवर. समझ आ रही है? तो जब मास ट्रांजिट सिस्टम की बात होती है या रेल ट्रांजिट की बात होती है, ये पेडेस्ट्रियन के लिए है, यानी पैदल जाने वालों के लिए हम कोई फैसिलिटी बना रहे हैं, तो उसमें हम पर्संस को टारगेट करेंगे, नंबर ऑफ पर्संस मालूम करेंगे कैपेसिटी चेक करने के लिए.
जबकि अगर हम किसी पर्टिकुलर हाईवे की कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं, यानी मोटरवे की कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं, जीटी रोड यानी हाईवे आर्टीरियल यानी किसी रोड की कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या चेक करेंगे? वी विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं दैट कैन अकोमोडेट अ पर्टिकुलर हाईवे, दैट वुड बी बेसिकली द कैपेसिटी. अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ को कब हम कैपेसिटी कहेंगे? जब किसी मास ट्रांजिट सिस्टम की बात हो रही हो, या किसी ऐसे सिस्टम के जैसे पेडिस्ट्रियन के लिए हम कोई फैसिलिटी बना रहे हो, तो उसमें हम नंबर ऑफ पर्सन काउंट करेंगे टू डिटरमाइन द कैपेसिटी. लेकिन हम व्हीकल्स काउंट करेंगे जब हम किसी फैसिलिटी यानी किसी रोड या किसी हाईवे, मोटरवे, फ्रीवे वगैरह की कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं, तो तब जो है हम वी विल बी चेकिंग द, और वी विल बी चेकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कैपेसिटी. नेक्स्ट क्या है? कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ट्रेवर्स अ पॉइंट और यूनिफॉर्म सेगमेंट. पॉइंट और यूनिफॉर्म सेगमेंट एक ही बात है. पॉइंट का मतलब क्या है कि जब हम लेट्स सपोज किसी सिग्नल की बात करते हैं, किसी सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन की बात करते हैं, और उस सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन की हम कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं, तो वो सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन क्या बनता है? उस वो हमारे पास पॉइंट की कैटेगरी में आता है. यूनिफॉर्म सेगमेंट क्या है? जब हम किसी रोड सेक्शन की कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम चेक करना चाहते हैं मोटरवे की कैपेसिटी, और हमने सेक्शन लिया फ्रॉम पिशावर टू मरान, यही जो आपका रशियाके इंटरचेंज है, तो हम अगर पिशावर से मरान के दरमियान कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं रोड हाईवे की, सॉरी मोटरवे की, तो वो आपके पास क्या बनता है? वो आपके पास यूनिफॉर्म सेगमेंट की कैटेगरी में आ जाता है. तो आई होप पॉइंट क्या है, यानी अगर हम किसी सिग्नलाइज्ड किसी इंटरसेक्शन की कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं, तो आपके पास पॉइंट क्या है उसके जुमरे में आएगा. जबकि अगर हम किसी रोड की कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं जिसमें एक पूरा सेक्शन हो रोड का, तो वो यूनिफॉर्म सेगमेंट की कैटेगरी में आएगा. ऑफ अ लेन और रोडवे, एक एक पर्टिकुलर लेन की भी कैपेसिटी हम चेक कर सकते हैं और पूरे रोडवे की भी कैपेसिटी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड. ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड मतलब कि अगर हम किसी खास टाइम पे भी चेक कर सकते हैं कैपेसिटी. अगर मैं स्टूडेंट को बताऊं कि भाई आपने फॉर एग्जांपल चिराट रोड जो आपकी यूनिवर्सिटी के सामने है उसकी कैपेसिटी चेक करनी है, तो आप जो है बाय डिफॉल्ट तो आप पीक आवर में मालूम करेंगे, क्योंकि डिफिनेशन का जो स्टार्ट है वो क्या है, द मैक्सिमम आवरली रेट. तो जो मैक्सिमम आवर होगा उसके मैक्सिमम 15 मिनट्स के दौरान इसकी कैपेसिटी चेक की जाएगी. लेकिन अगर आपको मैं किसी दूसरे टाइम पे बताऊं, लेट सपोज मैं आपको कहूं कि आप पीक आवर की बजाय दोपहर 2 से लेकर 3 बजे के दरमियान मुझे रोड की कैपेसिटी बताएं, तो वो फिर क्या आएगा, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड की कैटेगरी में आ जाएगा कि किसी खास टाइम पे भी आप कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं. अंडर प्रिवेलिंग रोडवे ट्रैफिक एंड कंट्रोल कंडीशन. अब ये क्या है, ये जो कैपेसिटी मालूम की जाएगी वो अंडर प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस होगी. ये नहीं है कि आप कंडीशंस को चेंज करेंगे, जो नेचुरल कंडीशन होगी रोड सरफेस की, जो नेचुरल ट्रैफिक कंडीशन होगा रोड का, लेट सपोज मोटरवे की आप कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो मोटरवे के रोडवे ट्रैफिक और कंट्रोल कंडीशंस में चेंजेस की आपकी कैपेसिटी मालूम करेंगे. लेट सपोज आपको मैं कैपेसिटी मालूम कर रहा, आपको मैं एक टास्क देता हूं कि आप कैपेसिटी मालूम करें, कहीं पे कोई सिग्नल या इंटरसेक्शन लगा हुआ है और आप उस इंटरसेक्शन को क्लोज कर दें और आप ट्रैफिक को बिल्कुल थ्रू ट्रैफिक में कन्वर्ट करें, तो डेफिनेटली फिर तो प्रिवेलिंग कंडीशंस ना हुई ना, प्रिवेलिंग कंडीशन को तो आपने चेंज कर दिया. या अगर आपके पास मोटरवे की कैपेसिटी मालूम कर रहे हैं और आप जो है पिशावर से इस्लामाबाद का आपने सेक्शन लिया है और बीच में जितने भी इंटरचेंजेस आ रही हैं उसको आप बंद कर दें और आप सिर्फ जो है रोड को खाली करा दें, तो क्या वो प्रिवेलिंग कंडीशंस हुई? नो, प्रिवेलिंग कंडीशंस तो आपने चेंज कर दी. तो
तो जो ट्रैफिक की कैपेसिटी मालूम की जाएगी वो प्रिवेलिंग कंडीशंस के ऊपर मालूम की जाएगी, यानी जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस होगी, जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट होगा, जो ट्रैफिक और रोडवे और कंट्रोल की कंडीशंस होंगी, उसी के मुताबिक जो है द कैपेसिटी वुड बी डिटरमाइंड। देयर शुड बी नो चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द रोड ट्रैफिक एंड कंट्रोल कंडीशंस। इज दिस क्लियर? आई होप कि ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई है कि इट इज द मैक्सिमम आवरली रेट, यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द पीक आवर ऑफ पीक 15 मिनट्स, यानी मैक्सिमम फ्लो रेट की बात हो रही है, एट विच पर्सन्स और व्हीकल्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब है टू पास दैट पॉइंट और टू पास दैट सेगमेंट, ठीक है? तो जिसमें पर्सन्स यानी मास ट्रांजिट की बात हो रही है या फिर पेडेस्ट्रियन के लिए बात हो रही है, और व्हीकल्स यानी जिसमें किसी हाईवे के से नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो सकते हैं या किसी यूनिफॉर्म सेगमेंट से पास हो जाते हैं। ऑफ अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, किसी खास टाइम में अंडर प्रिवेलिंग रोडवे ट्रैफिक एंड कंट्रोल कंडीशन, सो दैट वुड बी द मैक्सिमम इन शॉर्ट। ये तो बहुत डिटेल में डिफिनेशन है। अगर इन शॉर्ट आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटी क्या है, कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स एक रोडवे एकोमोडेट कर सकता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी फ्लो भी मेंटेन हो, फ्लो मेंटेन रखते हुए कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स एक पर्टिकुलर हाईवे या रोडवे सेगमेंट जो है वो एकोमोडेट कर सकता है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी। इज दिस क्लियर नाउ? आई एम यस वेटिंग सर, फॉर द रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। यस सर, यस यस सर। सर, ओके, गुड गुड। यस सर। ओके, अब मैक्सिमम, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम आवरली रेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब मुझे ये बताएं, ये जो दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये पहली तस्वीर अगर आप देखें, इसमें क्या इस दौरान जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हम काउंट करेंगे विल दिस बी द कैपेसिटी, या ये जो तस्वीर नंबर पिक्चर नंबर टू आपको नजर आ रही है, इस टाइम पे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट करेंगे दिस विल बी द कैपेसिटी, पिक्चर नंबर टू सर, पिक्चर नंबर टू। लेकिन पिक्चर नंबर वन में मैक्सिमम व्हीकल्स तो यहाँ पे अकोमोडेट हो गई हैं। या प्रिवेलिंग कंडीशंस नहीं है सर, या तो ट्रैफिक जाम। एग्जैक्टली, प्रिवेलिंग कंडीशंस नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल रुकी हुई है, बिल्कुल फेल्योर कंडीशंस हैं। दिस इज द फेल्योर कंडीशन। कैपेसिटी याद रखें, कैपेसिटी ऑल्दो इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट अ पर्टिकुलर हाईवे कैन अकोमोडेट, बट ये जो फ्लो है या जो फ्लो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी फ्लो मेंटेन रहेगा। जो गाड़ियां हैं उनकी जो उनका जो फ्लो है, जो स्ट्रीम ऑफ व्हीकल्स है, इट विल कंटिन्यू टू मूव। समझ रही है ना? जब स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे तो रश बन गया, यहाँ पे तो कंजेशन होगी, यहाँ पे तो क्यों है, ठीक है? सो एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स है, बट दिस इज नॉट द कैपेसिटी। द कैपेसिटी वुड बी अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर, ओके, गुड गुड। यस सर। अच्छा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो चीजें मैंने पीछे हाईलाइट की थी, ये मैक्सिमम आवरली रेट, पर्सन एंड व्हीकल्स एक्सपेक्टेड टू ट्रेवर्स अ पॉइंट और यूनिफॉर्म सेगमेंट एंड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड और आखिर में अंडर प्रिवेलिंग, इसको यह हमें वन बाय वन भी एक्सप्लेन भी किया है कि मैक्सिमम आवरली रेट का क्या मतलब है, जो पीक 15 मिनट्स ऑफ द पीक आवर हो। यानी मैक्सिमम आवरली रेट का क्या मतलब है, पीक आवर तो ऑलरेडी मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि पीक आवर क्या होती है, जो आपके पास 24 घंटे का अगर ट्रैफिक हम मालूम करते हैं तो उसमें 1 घंटा ऐसा होगा जिसमें सबसे मैक्सिमम ट्रैफिक गुजरेगी, दैट वुड बी द पीक आवर। अब उस पीक आवर का भी पीक 15 मिनट्स हम लें, यानी उस घंटे में भी 15 मिनट्स ऐसे होंगे जहां पे मैक्सिमम व्हीकल्स होंगी, तो उस 15 मिनट्स की बेस पे जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, यानी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी द मैक्सिमम आवरली रेट। क्लियर? यस पर्सन्स सर, और व्हीकल्स की बात हो रही है तो पर्सन्स किसके डिग्री में आएगा, जब आपके पास ट्रांजिट सिस्टम होगा, यानी मास ट्रांजिट सिस्टम की बात हो रही है, यानी BRT, ठीक है? कि कोई मास ट्रांजिट सिस्टम आप बना रहे हैं तो उसमें कैपेसिटी फॉर पर्सन्स चेक की जाएगी, जबकि व्हीकल्स के लिए जो है वो किसी हाईवे वगैरह की अगर आप कैपेसिटी चेक कर रहे हैं तो उसमें व्हीकल्स को काउंट किया जाएगा।
अंडर कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर प्रिवेलिंग रोडवे ट्रैफिक एंड कंट्रोल कंडीशंस। अब प्रिवेलिंग रोडवे ट्रैफिक एंड कंट्रोल कंडीशन का क्या मतलब है? रोडवे कंडीशंस का मतलब ये है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ लेन्स, लेन विड्थ, शोल्डर विड्थ, फ्री फ्लो स्पीड, ये सारी की सारी रोडवे कंडीशंस में आती हैं, ठीक है। जो ज्योमेट्री है रोड की वो उसमें चेंजेस नहीं होगी, जो एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री है उस कंडीशन को मेंटेन रखते हुए आपने कैपेसिटी मालूम करनी है। ट्रैफिक कंडीशंस का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स, जो कंपोजिशन ऑफ द ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। कंपोजिशन ऑफ द ट्रैफिक का क्या मतलब है? अगर किसी रोड पे 20% हैवी व्हीकल्स जा रही है और 80% आपके पास पैसेंजर कार्स जा रही हैं, और आप उस दिन जिस दिन कैपेसिटी मालूम कर रहे हैं उस दिन आप इस पे जो जो ट्रक्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उनकी आमदरफ्त को स्टॉप करें, सिर्फ पैसेंजर कार को अलाउ करें, तो क्या वो प्रिवेलिंग कंडीशन हुई? नो। प्रिवेलिंग कंडीशन का मतलब क्या है? टू व्हाइल मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम, जो ट्रैफिक स्ट्रीम के अंदर जो जो गाड़ियां हैं जिस किस्म की भी, उनकी प्रेजेंस जो है उसमें जरूरी है, ठीक है। उस दौरान आपने ट्रैफिक कैपेसिटी चेक करनी है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन का मतलब क्या है? स्टॉप साइन हो, यील्ड साइन हो, कहीं पे कोई सिग्नल लगा हो, तो इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, इट शुड नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि अगर इसको आप चेंज करते हैं तो इट हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द कैपेसिटी, इससे कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आप खुद भी पढ़ लें, आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट और यूनिफॉर्म सेक्शन। पॉइंट और यूनिफॉर्म सेक्शन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि यूनिफॉर्म सेक्शन मस्ट हैव कंसिस्टिंग प्रिवेलिंग कंडीशन। एक सेक्शन हो जिसमें यूनिफॉर्म कंडीशन हो, लेट सपोज पॉइंट ए, यानी आप पिशावर से मर्दान तक आपने चेक करना है कैपेसिटी, दैट वुड बी अ यूनिफॉर्म सेक्शन, यानी उसके अंदर जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सेक्शन मींस जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हो वो कंसिस्टेंट हो उसके अंदर, दैट वुड बी अ यूनिफॉर्म सेक्शन। और पॉइंट को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन को आप मालूम करना चाह रहे हैं उसकी कैपेसिटी, दैट वुड बी अ पॉइंट। कैपेसिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम फ्लो दैट कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ट्रेवर्स अ सेक्शन। तो ये ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक यूनिफॉर्म सेक्शन या एक पॉइंट से पास होना उसका जरूरी है। यहां देखें, यहां पे अगर हम इस पिक्चर नंबर वन की बात करें तो यहां से पास नहीं हो रही, ठीक है ना, यहां से पास नहीं हो रही। यहां पे क्या है, अगर हम कोई सेक्शन लेते हैं या कोई पॉइंट लेते हैं तो वो फ्लो मेंटेन्ड है एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स विल पास थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब ये तो होगी हमारे पास कैपेसिटी। अब व्हाट इज लेवल ऑफ सर्विस? लेवल ऑफ सर्विस का क्या कंसेप्ट है? अक्सर हम अगर हम जो है हम बात करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं और उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में आप चाय वगैरह या कॉफी या खाना वगैरह, डिनर लंच वगैरह करते हैं और आप कहते हैं कि इनके इनका सर्विस जो है वो बहुत कमजोर है, वीक है, या इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो वो किस बेस पे हम कहते हैं? और अगर हम इसको रिलेट करें रोड के साथ तो हम क्या कहेंगे कि इस एक पर्टिकुलर रोड है उसका लेवल ऑफ सर्विस बहुत अच्छा है। तो हाउ टू रिलेट बोथ ऑफ देम, या अगर उसको रिलेट ना भी करें तो कौन मुझे बता सकता है कि एक रोड है जिस लेट सपोज आपके पास मोटरवे है और दूसरा आपके पास हाईवे है, तो मोटरवे की लेवल ऑफ सर्विस क्या है और हाईवे की लेवल ऑफ सर्विस, कौन सी की लेवल ऑफ सर्विस अच्छी है और कौन सी की लेवल ऑफ सर्विस वीक है? मोटरवे की अच्छी है सर, मोटरवे की अच्छी, मोटरवे की लेवल ऑफ सर्विस अच्छी है। अब किस बेस पे आप कह सकते हैं कि मोटरवे की लेवल ऑफ सर्विस अच्छी है? क्या ऐसी खास बात है मोटरवे में जिसकी लेवल ऑफ सर्विस अच्छी है? वहां पर थ्रू ट्रिप होती है सर, टाइम की बेस पे हम कह रहे सर, वहां पे सर्विस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप पहुंचते हैं तो कम टाइम लगता है ना सर, फ्लो की वजह से। यस, अगर आप देखें लेट सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं और बार बार कंजेशन की वजह से, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और बार बार कंजेशन की वजह से आपकी गाड़ी रुक रही है, आप डिले हो रहे हैं, आप जो है तो उससे आपकी जो 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 स्ट्रेस है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दूसरे केस में अगर आप एक पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और आप बिल्कुल स्मूथ फ्लो में जा रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन,
और आप जो है अपनी जो जो स्पीड जो डिजायरेबल स्पीड है उसको मेंटेन रखते हुए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गए, तो आप दोनों में फिर लेवल ऑफ सर्विस किसका बेटर हुआ, जिसमें आपका कंजेशन है या जिसमें आपकी जो जो डिजायरेबल स्पीड है उसको मेंटेन रखते हुए आप कंफर्टेबली पहुंच गए। जी जब पर डिजायर स्पीड को मेंटेन कर दिया जाता है इसमें। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ सर्विस है बेसिकली ये रोड की कंडीशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है कि एक पर्टिकुलर है उसकी रोड कंडीशन कैसी है, लेकिन मेजॉरिटी हम बेस ये क्या करती है, इट इज अ क्वालिटी मेजर डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशनल कंडीशंस विद इन द ट्रैफिक स्ट्रीम। एक ट्रैफिक स्ट्रीम जा रही है उसके अंदर उसकी ऑपरेशनल कंडीशंस की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लेवल ऑफ सर्विस के थ्रू हमें मिलता है। जितनी उसकी ऑपरेशनल कंडीशंस की क्वालिटी बेटर होगी उतना उसका लेवल ऑफ सर्विस बेटर होगा। अब ऑपरेशनल कंडीशंस तो ऑलरेडी मैंने बता दी है आपको, इसको हम लिंक कर सकते हैं, इट कुड बी लिंक्ड विद द रोड सर्फेस, इट कुड बी लिंक्ड विद द रोड सर्फेस। अक्सर स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सर यो एक रोड है जिसकी रोड सर्फेस बड़ी अच्छी नई बनी है, बिल्कुल फ्रेश रोड बनी है, एक पुरानी रोड है तो फ्रेश रोड का लेवल ऑफ सर्विस अच्छा होगा और पुरानी रोड का जो लेवल ऑफ सर्विस है वो अच्छा नहीं होगा। नो, इसको आप इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, बट ये जो लेवल ऑफ सर्विस है ये प्योरली ऑपरेशनल कंडीशन की क्वालिटी के बारे में हमें बताती है। ऑपरेशनल कंडीशन का मतलब क्या है कि बजाय फॉर फॉर एग्जाम्पल एक रोड पुरानी हो, बेशक वो पुरानी हो, एक मोटरवे अभी बना है और एक पुराना मोटरवे है, लेट सपोज पिशावर से इस्लामाबाद वाला पुराना मोटरवे है और एक नया मोटरवे बना है स्वात वाला, लेकिन स्वात वाले मोटरवे पे रश ज्यादा है, ट्रैफिक कंडीशंस ऑपरेशनल कंडीशंस उसकी वीक है, गाड़ियां कंजेशन ज्यादा है, जबकि पिशावर से इस्लामाबाद पुराना बना है लेकिन फिर भी रश कम है, तो दोनों में फिर लेवल ऑफ सर्विस किसका अच्छा होगा, पिशावर से इस्लामाबाद वाले का बेटर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की कंडीशंस जो है कंजेशंस जो है वो कम है, बजाय स्वात से इस्लाम जो जो स्वात एक्सप्रेस वे है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है, मैं जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि नए और पुराने रोड के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक ऑपरेशनल कंडीशंस के साथ है, यानी रोड के ऊपर कंडीशंस क्या है ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम, फ्लो की कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, अच्छा, यस सर, ये इसकी इमेजेस हैं हमारे पास फ्रॉम ए टू एफ। जी, इसकी रेंजेस हैं हमारे पास फ्रॉम ए टू एफ, ठीक है। ए शोज के लेवल ऑफ सर्विस सबसे बेटर है और जितना ये बी सी डी ई एफ की तरफ जाएगा उतना लेवल ऑफ सर्विस जो है वो वीक होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए पे ट्रैफिक की ऑपरेशन क्वालिटी सबसे बेस्ट है, यानी कंजेशन मिनिमम है, बिल्कुल बिल्कुल ना होने के बराबर है। बी सी और डी की तरफ हम जाते हैं तो गाड़ियों की तादाद जो है रोड के ऊपर बढ़ती जाएगी और जिससे कंजेशन जो है या आपका जो फ्रीडम टू मेन्योर है रोड के ऊपर जो आपका सफर है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होता जाएगा जब आप ए से टूवर्ड्स एफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा, दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू एफ, ठीक है। अगर हम लेवल ऑफ सर्विस ए की बात करें तो ए के दौरान दिस इज पैसेंजर कार, पी सी फॉर पैसेंजर कार, एम आई फॉर माइल्स एंड एल एन फॉर लेन, पैसेंजर कार पर माइल पर लेन, यानी कितने नंबर ऑफ पैसेंजर कार्स हैं, गाड़ियां व्हीकल्स पर माइल, 1 माइल के सेक्शन में पर लेन, 1 लेन की रोड पे, ठीक है। अगर हमारे पास एक रोड सेक्शन है, लेट सपोज दिस इज अ रोड सेक्शन, ठीक है। अब इस रोड सेक्शन में हमारे पास लेट सपोज अगर 2 लेने हैं तो 2 लेनों में हम क्या लेंगे, वी विल जस्ट टेक वन सिंगल लेन, ठीक है, वी विल टेक जस्ट वन सिंगल लेन।
अब इस सिंगल लेन का अगर हम एक रोड लें और उस रोड की जो लेंथ है वो कितनी हम लें, 1 माइल. इफ यू टेक 1 माइल रोड दैट हैज ओनली सिंगल लेन, यानी सिंगल लेन ऑफ अ 1 माइल रोड, लेट सपोज यहां से यहां तक 1 माइल सेक्शन हमने लिया है, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, लेट सपोज ये मैं व्हीकल्स इसके ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. अब इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ सिंगल माइल, यानी एक सिंगल माइल रोड है और उसका एक ही लेन हमने लिया है, तो उसके अंदर कितनी पैसेंजर कार्स एकोमोडेट हो सकती है. इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर बिटवीन 0 एंड 11, अप टू 11 तक गाड़ियां जो है वो सिंगल माइल के अंदर मूव कर रही है, तो दैट कंडीशन वुड बी टेकन एज लेवल ऑफ सर्विस ए. इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, अगर ये यस सर, नंबर ऑफ व्हीकल हम बढ़ाते जाएं और वो 11 से 18 तक पहुंच जाए, देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ने से कंजेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डिस्टरबेंस बढ़ेगी, फ्रीडम टू मेन्योर कम हो जाएगी, आपको अपनी गाड़ी फ्रीली मूव करना जो है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेगी, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर बिटवीन 11 टू 18, सो दैट वुड बी द लेवल ऑफ सर्विस बी, ठीक है. अब अगर 18 से 26 के दरमियान 1 माइल एक लेन एक सेक्शन में इफ द नंबर ऑफ व्हीकल आर बिटवीन 18 टू 26, तो दैट द लेवल ऑफ सर्विस इंक्रीज फ्रॉम ए टू सी. इफ इट इज बिटवीन 26 टू 35, इट विल बी डी. इफ इट इज बिटवीन 35 टू 45, इट विल बी ई. और ई को हम कहते हैं कि लेवल ऑफ सर्विस जो है वो कैपेसिटी तक पहुंच चुका है. इफ द ऑपरेशन कंडीशंस आर एट लेवल ऑफ सर्विस ई, तो तब इसका मतलब ये है कि रोड जो है वो अंडर फुल कैपेसिटी ऑपरेट कर रहा है, यानी अगर इससे हम इंक्रीज करेंगे, इससे हम बढ़ाएंगे, तो आपके पास क्या होगा, फेलियर की तरफ जाएगा, यानी आपके पास जो इट विल एक्सीड, यानी डिमांड जो है वो कैपेसिटी से बढ़ जाएगी, कंजेशन बढ़ेगा, क्यूज आपके पास बढ़ेगी, रश बनेगा, और गाड़ियां जो है वो उसकी कतारें बनेगी और कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो एफ को हम कहते हैं फेलियर कंडीशंस, और ई को हम कहते हैं कि जो आपका लेवल ऑफ सर्विस है वो अंडर कैपेसिटी ऑपरेट कर रहा है, यानी रोड की जितनी कैपेसिटी है बस उतनी ही उसके अंदर गाड़ियां मौजूद हैं. इज दिस क्लियर नाउ? तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट कंडीशंस हैं. इफ दिस इज फ्रॉम 0 टू 11, लेवल ऑफ सर्विस वुड बी ए, 11 टू 18 बी, 18 टू 26 सी, 26 टू 35 डी, एंड 35 टू 45 ई, एंड बियॉन्ड 45 इट वुड बी एफ, ठीक है. ओके, यहाँ पे ये बात हो रही है बेसिक फ्रीवे है और एक मल्टी लेन हाईवे, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. मल्टी लेन हाईवे हम हाईवेज को कहते हैं या आर्टीरियल रोड्स को कहते हैं, बेसिक फ्रीवे यानी हम मोटरवे को कहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग टेबल्स हैं, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं है इतना खास, ठीक है. हम कह सकते हैं कि देखें, ए पे आपके पास बिल्कुल फ्री फ्लो है, बी पे रीजनेबली फ्री फ्लो है, सी पे स्टेबल फ्लो है, डी पे फ्लो जो है वो थोड़ा धीरे धीरे अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, ई पे कंप्लीटली अनस्टेबल फ्लो है, और एफ पे क्या है, फोर्स्ड फ्लो या ब्रेकडाउन फ्लो है, ठीक है. ये बिल्कुल जो है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं और कंजेशन कंजेशन पे है. अच्छा, जो हम डिजाइन करते हैं रोड को, तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डिजाइन का क्या मतलब है. तो डिजाइन के लिए हम जो लेवल ऑफ सर्विस सेलेक्ट करते हैं, तो फ्रीवेज के लिए मोस्टली बी सेलेक्ट किया जाता है और आर्टीरियल के लिए, जबकि कलेक्टर रोड के लिए सी आप चूज करते हैं, जबकि अर्बन एंड सब अर्बन, ये तो रूरल की बात हो रही है, अर्बन और सब अर्बन रीजन में फ्रीवे हो आर्टीरियल हो, उसके लिए सी जो है वो डिजायरेबल लिमिट है. कुछ केसेस में आप डी तक भी जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में सी रिकमेंडेड है टू बी सेलेक्टेड फॉर डिजाइन, यानी हम डिजाइन एस करना चाहते हैं कि ये रोड जो है वो लेवल ऑफ सर्विस सी के ऊपर मेंटेन
रखें, यानी उसके अंदर उसके ऊपर इतनी गाड़ियां मूव करें कि वो लेवल ऑफ सर्विस सी जो है वो उसके ऊपर जो है वो मेंटेन हो। तो जो डिजाइन के लिए आपके जहन में बात होनी चाहिए कि रूरल के लिए बी और सी है और अर्बन और सब अर्बन के लिए सी और डी की रेंज में हम सेलेक्ट करते हैं लेवल ऑफ सर्विस। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि देखें व्हीकल्स आपको सिर्फ हर एक लेन में एक ही गाड़ी नजर आ रही है, तो कंजेशन कम है ना, लेवल ऑफ सर्विस ए है। जितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रही है, लेवल ऑफ सर्विस इज मूविंग फ्रॉम सी डी ई एफ, और अगर आप एफ की तरफ जाएं तो बिल्कुल कंजेशन जो है वो पीक पे पहुंच चुकी है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं दिस इज द लेवल ऑफ सर्विस ए, दिस इज लेवल ऑफ सर्विस बी, दिस इज सी एंड सो ऑन। अगर आप आगे पिक्चर में भी देख लें तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग पर माइल पर लेन एंड हिंस द ब्रेक द फ्लो इज बीइंग चेंज फ्रॉम फ्री फ्लो कंडीशंस टू ब्रेक डाउन फ्लो। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, इसको आप खुद पढ़ें, इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें लेवल ऑफ सर्विस क्या है, फ्री फ्लो कंडीशन के ऊपर ऑलमोस्ट फ्री फ्लो कंडीशंस होंगी एंड इंडिविजुअल यूजर्स आर वर्चुअली अनएफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इन द ट्रैफिक स्ट्रीम, यानी जो बाकी गाड़ियां हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो इंडिविजुअल यूजर को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी आसपास जितनी भी गाड़ियां होंगी उससे आपकी मोमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी। यानी मोमेंट कैसे डिस्टर्ब नहीं हुई, वो गाड़ी आपको नजर आएंगी रोड पे लेकिन इतने दूर दूर होंगी कि जिससे आपकी मोमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगी। लेवल ऑफ सर्विस बी पे क्या होगा, अलाउ स्पीड्स एट और नियर फ्री फ्लो स्पीड, तकरीबन फ्री फ्लो स्पीड के पे इस पे भी ट्रेवल कर सकेंगे बट प्रेजेंस ऑफ अदर यूजर्स इन द ट्रैफिक स्ट्रीम बिगिन टू बी नोटिसेबल। यहाँ पे भी आप जो अदर व्हीकल्स हैं इन ट्रैफिक स्ट्रीम वो आपकी फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो आपकी मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जो है दे विल बी नोटिसेबल, यानी वो आपको करीब करीब नजर आएंगी जो बाकी गाड़ियां हैं। लेवल सी पे क्या है, स्पीड एट और नियर, यहाँ पे भी स्पीड तकरीबन फ्री फ्लो के बराबर ही है बट फ्रीडम टू मेन्योर इज नोटिसेबली रिस्ट्रिक्टेड, यानी लेन चेंजेस वगैरह जो है इट रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ ड्राइवर्स। जब आप लेन वगैरह चेंज करते हैं तो थोड़ा सा आपको आगे पीछे देखना जरूरी पड़ जाता है क्योंकि आप किसी भी टाइम पे आपकी गाड़ियां आपके करीब हो सकती हैं एंड दे कैन रिस्ट्रिक्ट योर मूवमेंट, तो थोड़ा सा जो फ्रीडम टू मेन्योर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है लेवल ऑफ सर्विस सी में। लेवल ऑफ सर्विस डी में जो फ्री, चूंकि जो व्हीकल्स हैं वो नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से जो स्पीड है वो स्लाइट डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। द फ्रीडम टू मेन्योर बिकम मोर रिस्ट्रिक्टेड, एक्सपीरियंस रिडक्शन इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट, यानी ड्राइवर आप अपनी मर्जी से लेन चेंज नहीं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा वो कहते हैं यू हैव टू लुक फॉर वो क्या कहते हैं कि एक्सट्रीम केयर, विद एक्सट्रीम केयर और विद अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा तभी आपको लेन चेंज करनी पड़ती है और तभी आपको जो है अपनी मेन्योर में कुछ चेंजेस अगर आपने लानी है तो यू हैव टू गो फॉर एक्सट्रीम एंड 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 इट 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 रिड्यूसेस द साइकोलॉजिकल फिजिकल कंफर्ट ऑफ द ड्राइवर एज वेल। अगर लेवल ऑफ सर्विस ई पे जाएं तो इट रिप्रेजेंट द रोडवे कैपेसिटी, लेवल ऑफ सर्विस ई पे जो रोड है वो तकरीबन कैपेसिटी के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी रोड की कैपेसिटी है उतनी ही उसके ऊपर गाड़ियां मौजूद हैं, ठीक है। इवन माइनर डिस्ट्रप्शन इन ट्रैफिक स्ट्रीम कैन कॉज डिलेज एज विल गिव वे टू अलाउ सच मैन्यूवर्स, यानी अगर थोड़ी भी अगर ट्रैफिक स्ट्रीम में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई गाड़ी खराब हो जाए तो इससे इट कैन कॉज डिलेज, यानी पूरा ट्रैफिक स्ट्रीम वजह से रुक जाता है लेवल ऑफ सी की वजह से, ई पे अगर गाड़ी रोड ऑपरेट हो रहा है। और लेवल ऑफ सर्विस एफ तो इट डिस्क्राइब्स अ ब्रेक डाउन फ्लो इन द व्हीकुलर फ्लो, यानी कंप्लीटली आपके पास जो है वो ट्यूब बन जाती है और फ्लो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और यू आर एक्सीडिंग एक्चुअली द कैपेसिटी और फेलियर कंडीशंस ऑलमोस्ट रीच हो चुकी होती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दिस इज द सर्विस फ्लो रेट। सर्विस फ्लो रेट क्या है, व्हाट इज फ्लो रेट, आपके हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस है ए बी सी डी एफ। अब एक लेवल ऑफ सर्विस दूसरे लेवल ऑफ सर्विस पे
जब आप चेंज होते हैं, पास नंबर ऑफ व्हीकल्स चेंज होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल ऑफ सर्विस, यानी ऑपरेशनल कंडीशन चेंज होती है, तो उसके बीच में जो फ्लो होगा, जो फ्लो रेट होगा, इट इज द मैक्सिमम फ्लो रेट दैट कैन बी अकोमोडेटेड व्हाइल मेंटेनिंग डेजिग्नेटेड लेवल ऑफ सर्विस. एक लेवल ऑफ सर्विस को मेंटेन रखते हुए जो मैक्सिमम सर्विस फ्लो होगा, जो मैक्सिमम फ्लो रेट होगा टू मेंटेन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सर्विस, दैट वुड बी कॉल्ड एज द सर्विस फ्लो रेट. यानी एक फ्लो ऐसा होगा, लेट सपोज अगर हम पिछले एग्जाम्पल में हम लें, तो हमारे पास क्या है, 11 क्या है, अगर आपके पास इस 11 को अगर आप देखें, 11 से अगर इंक्रीज होती है तो आपके पास लेवल ऑफ सर्विस ए से चेंज हो जाता है लेवल ऑफ सर्विस बी के ऊपर. सिमिलरली यहाँ पे 18 क्या है, 18 से अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होती है नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो आपका एक लेवल ऑफ सर्विस से दूसरे लेवल ऑफ सर्विस पे चेंज हो जाता है. तो ये 11 और 18, ये 26, ये आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड नहीं है, दीज आर द डेंसिटी जिसकी जिससे जिसके बाद आपका जो फ्लो है, जो लेवल ऑफ सर्विस है, वो फ्रॉम फर्स्ट एक लेवल ऑफ सर्विस से दूसरे लेवल ऑफ सर्विस पे चेंज हो जाता है. तो इस यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो रेट क्या है, मैक्सिमम ये 18 और 26 और 11 ये क्या है, ये तो डेंसिटी है. लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्लो, इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट बात करें, तो इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट क्या है, ये वो फ्लो रेट की वो व्हीकल्स हैं, ये दीज आर द नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कि आपको थ्रेशोल्ड वैल्यूज बताती हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका लेवल ऑफ सर्विस चेंज हो जाएगा फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम लेवल ऑफ सर्विस ए से बी में चेंज हो जाएगा अगर इससे आपका फ्लो रेट बढ़ता है. सिमिलरली अगर इससे आपका फ्लो रेट बढ़ता है तो आपका लेवल ऑफ सर्विस बी से चेंज हो जाएगा इनटू सी. सिमिलरली तो दैट वुड बी सर्विस फ्लो रेट फॉर बी, सर्विस फ्लो रेट फॉर सी, सर्विस फ्लो रेट फॉर डी एंड सर्विस फ्लो रेट फॉर ई. आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके पास कुछ इमेजेस हैं जहां से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी. आगे लेट सपोज चले मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी एक मिनट. यहाँ पे आप देखें, ये देखें, दिस इज द मैक्सिमम सर्विस फ्लो रेट, नजर आ रहे हैं आपको मैक्सिमम सर्विस फ्लो रेट टेबल में स्टूडेंट्स? सर यस सर. ये देखें, दिस इज 820. अब 820 का मतलब है, 820 का मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन लेवल ऑफ सर्विस ए, तो अप टू 820 तक जो है वो, इफ द मैक्सिमम फ्लो रेट इज अप टू 820, तो तब आपका लेवल ऑफ सर्विस ए रहेगा. अगर 820 से इंक्रीज करता है तो इट विल चेंज फ्रॉम लेवल ऑफ सर्विस ए टू लेवल ऑफ सर्विस बी. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 1350 इज द मैक्सिमम सर्विस फ्लो रेट, यानी अगर आपने लेवल ऑफ सर्विस बी रखना है तो मैक्सिमम व्हीकल्स इसकी तरफ 1350 है. अगर 1350 से इंक्रीज होती है तो इट विल शिफ्ट फ्रॉम लेवल ऑफ सर्विस बी टू लेवल ऑफ सर्विस सी. इज दिस क्लियर नाउ? अब अगर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, अब 820 से ज्यादा है और 1350 से कम है तो वो भी लेवल ऑफ सर्विस बी होगा. 820 से कम है तो 820 से जितना भी कम होगा वो लेवल ऑफ सर्विस ए की कैटेगरी में आएगा. इज दिस क्लियर नाउ? यस सर. तो बेसिकली दिस इज द सर्विस फ्लो रेट, दिस इज द सर्विस फ्लो रेट. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये तो होगी हमारे पास सर्विस फ्लो रेट की बात. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक ग्राफ है, ये एक मोनोग्राम है या ग्राफ हम कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम वी कैन डिटरमाइन द लेवल ऑफ सर्विस फॉर बेसिक फ्रीवे. हमारे पास दो स्पीड फ्लो कर्व्स हैं, एक ये अगर आप हेडिंग में देख रहे हैं, दिस इज फॉर बेसिक फ्रीवे, और दूसरा हमारे पास क्या है, मल्टी लेन हाईवेज के लिए. दो डिफरेंट आपके पास कर्व्स हैं, दो डिफरेंट स्पीड कर्व्स हैं, ठीक है. एक बेसिक फ्रीवे के लिए है ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और दूसरा आपके पास मल्टी लेन हाईवे के लिए है. तो अगर आप आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप डिजाइन कर रहे हैं बेसिक फ्रीवे को, तो बेसिक फ्रीवे में आपने इस मोनोग्राम को यूज करना है, इस स्पीड फ्लो कर्व को यूज करना है, और अगर आपके पास मल्टी लेन हाईवे है तो तब आपने इस ग्राफ को यूज करना है. अब यहां पे अगर आप देखें,
इससे आप कैसे लेवल ऑफ सर्विस फाइंड कर सकते हैं। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज फॉर लेवल ऑफ सर्विस ए, तो ये जो जितना रीजन है ये सारा का सारा लेवल ऑफ सर्विस ए का रीजन है। ये जो रीजन है, ये जो दो लाइनों के बीच में, ये देखिए, ये लाइन आपको लेवल ऑफ सर्विस शो करता है। दिस इज लेवल ऑफ सर्विस ए लाइन, दिस इज लाइन फॉर लेवल ऑफ सर्विस बी, दिस इज द लाइन फॉर लेवल ऑफ सर्विस सी, दिस इज द लाइन फॉर लेवल ऑफ सर्विस डी, एंड दिस इज द लाइन फॉर लेवल ऑफ सर्विस ई। ये आपके पास देखिए मुख्तलिफ लाइन्स हैं। अब अगर आपके पास कोई रीजन यहां पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो लेवल ऑफ सर्विस बी में है। अगर आपके पास पॉइंट यहां पे इस रीजन में लाई करेगा, दिस विल बी लेवल ऑफ सर्विस सी, दिस विल बी लेवल ऑफ सर्विस डी, दिस होल रीजन एंड दिस होल रीजन विल बी लेवल ऑफ सर्विस ई। ठीक है, इसके बाद सारा का सारा एफ पे चला जाता है। अब अगर हमने लेवल ऑफ सर्विस फाइंड करना है तो लेवल ऑफ सर्विस फाइंड करने के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड है। वो मुझे रिक्वायर्ड है क्या कहते हैं, मुझे एवरेज पैसेंजर कार स्पीड रिक्वायर्ड है, ठीक है, या हम मुझे फ्री फ्लो स्पीड रिक्वायर्ड होगी और मुझे फ्लो रेट रिक्वायर्ड होगा। लेट सपोज अगर हम 60 माइल्स पर आवर की स्पीड की बात करें, 60, ये देखें तो ये वाली लाइन किसकी है, 60 माइल पर आवर की लाइन है, ये वाली लाइन 55 माइल्स पर आवर की लाइन है, ये 65 की है, ये 70 की है और आखिर में ये 75 की है। अब अगर मेरे पास लेट सपोज जो फ्लो रेट है वो है मेरे पास 1200, इफ द फ्लो रेट इज 1200 एंड द फ्री फ्लो स्पीड इज 60, व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ सर्विस एट दैट पर्टिकुलर रोड। कौन मुझे बताए? सी सी सर। कैसे सी आएगा, क्योंकि 1200 से मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ पे और यहां से मैं 60 की तरफ से आऊंगा तो मैं यहाँ पे आके रुकूंगा। ठीक है, तो वो किस रीजन में मैं रुक रहा हूं, मैं रुक रहा हूं इन द सी रीजन। ठीक है, तो द लेवल ऑफ सर्विस वुड बी सी इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, क्योंकि बी से ज्यादा है और सी से कम है तो ये सारा सी का रीजन है। अगर मेरे पास 1600 व्हीकल्स हैं और मेरे पास जो फ्री फ्लो स्पीड वही 60 है तो तब कहां पे लाई करेगा, डी में। ठीक है, ये देखें 1600 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है और ये 60 की स्पीड है, तो 60 की स्पीड पे अगर हम 1600 फ्लो रेट पे बजाएं तो जहां पे आपका पॉइंट रुकेगा दैट वुड बी द लेवल ऑफ सर्विस एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो इस तरह आप इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं। सेम वही ग्राफ है लेकिन दिस इज फॉर मल्टी लेन हाईवेज यहाँ पे, और उसमें फर्क सिर्फ ये है कि वहां की स्पीड जो है वो अप टू 75 माइल्स तक जाती है, क्योंकि फ्रीवे पे तो आपकी स्पीड मैक्स ज्यादा होती है ना मोटरवेज के ऊपर, जबकि यहाँ पे जो फ्री फ्लो स्पीड है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे मैक्सिमम 60 माइल्स पर आवर। अच्छा, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ये जो हम बुक्स को फॉलो करते हैं ये ज्यादातर अमेरिकन बुक्स है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है गूगल क्लासरूम में, दीज आर अमेरिकन बुक्स, और वहां पे जितनी भी स्पीड की मेजरमेंट्स होती हैं तो वो ज्यादातर माइल्स में होती है, माइल्स पर आवर में, एमपीएच में होती है। इस वजह से हम जो टेबल्स यूज कर रहे हैं, चूंकि मैंने वही उस बुक से उठाई है सारी की सारी टेबल्स, तो वो भी माइल्स पर आवर में। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू किलोमीटर पर आवर, कुछ मेरे ख्याल में बुक्स में किलोमीटर पर आवर वाली टेबल्स भी मौजूद है, लेकिन चूंकि मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें सारी की सारी माइल्स पर आवर वाली टेबल्स हैं, तो मैंने उसी को उठाया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी की सारी जो है वो माइल्स पर आवर में, तो माइल्स पर आवर और किलोमीटर पर आवर में डिफरेंस है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर किलोमीटर पर आवर वाली चीजें ज्यादा यूज होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है वी ओवर सी रेशो। वी ओवर सी रेशो क्या है, ये हम जब डिस्कस कर रहे थे सिग्नल डिजाइन तो उसमें थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वी और सी रेशो क्या है। वी आपके पास है वॉल्यूम, सी आपके पास है कैपेसिटी, सो दिस इज बेसिकली वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशो। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम मालूम करते हैं कि कैपेसिटी क्या है रोड की और उसके अंदर इस दौरान कितना फ्लो मेंटेन है, यानी करंट वॉल्यूम क्या है और रोड की कैपेसिटी क्या है। तो इस रेशो से हमें अंदाजा हो जाता है कि इस रोड में फर्दर गुंजाइश है या गुंजाइश नहीं है।
ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली हमें रोड की ऑपरेशनल कंडीशन के बारे में ही बताती है। जितना वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशो वी ओवर सी रेशो 1:1 के बराबर है, अगर 1 के बराबर है तो इसका क्या मतलब है, यानी रश है सर, एग्जैक्टली द फ्लो इज अंडर, यानी द फ्लो इज एट द कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही उसके ऊपर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है, द फ्लो इज मेंटेन्ड विद फुल कैपेसिटी, द रोड इज ऑपरेशनल अंडर फुल कैपेसिटी। ठीक है, अगर जितना ये 1 कम होगा इसका मतलब क्या है, थ्रू ट्रिप होगा। एग्जैक्टली जितना इस ये 1 कम होगा उतना लेवल ऑफ सर्विस बेटर होगा कि नहीं होगा, यस सर बेटर होगा। एग्जैक्टली तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली हमें ये वी और सी रेशियो भी लेवल ऑफ सर्विस के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है। अब देखें, द वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द फैसिलिटी कैपेसिटी बीइंग यूटिलाइज्ड बाय करंट और प्रोजेक्टेड ट्रैफिक। वी और सी रेशियो का क्या मतलब है कि ये हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो रोड की कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी का कितना परसेंट या कितना हिस्सा जो है वो यूटिलाइज हो चुका है। यानी अगर वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो 1 है, इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है। ठीक है, 100% कैपेसिटी यूटिलाइज का मतलब ये है कि उतनी उसके ऊपर ट्रैफिक आ चुकी है। एंड इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। अगर आपको जो है इन ऑर्डर टू हैंडल द ट्रैफिक तो डिजायरेबल वैल्यू क्या है, इट शुड बी लेस देन 1, ऑलवेज इट शुड बी लेस देन 1, यानी वी और सी रेशियो की बात हो रही है। व्हेन डीलिंग विद फ्यूचर प्रोडक्शन द फोरकास्ट डिमांड फ्लो इज यूज्ड एंड कंपेयर्ड विद एस्टिमेटेड कैपेसिटी, इफ द वी और सी रेशियो इज लेस देन 1 इंप्लाइज दैट द एस्टिमेटेड कैपेसिटी इज नॉट सफिशिएंट टू हैंडल द फोरकास्ट डिमांड फ्लो। अगर आपके पास वी और सी रेशियो 1 से एक्सीड कर जाती है, इसका मतलब क्या है, गलती हो सकती है कि सर कैपेसिटी भी से भी ज्यादा होगी है सर वॉल्यूम। एग्जैक्टली, यानी जितनी रोड की कैपेसिटी है तो वो इस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकता, समझ आ रही है ना? यस सर। यानी जितने रोड के ऊपर कैपेसिटी अभी आ रही है, अभी है रोड की जितनी कैपेसिटी है, तो जब आप रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाते हैं, यानी हम ये डिजाइन की बात कर रहे हैं, जब आप डिजाइन कर रहे हैं और आप डिजाइन में आपको जो है वो वी और सी की रेशियो 1:1 आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना आपने कैपेसिटी दी है, जो आपने उसके ऊपर ट्रैफिक डाला है, वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इसको एकोमोडेट नहीं कर सकता। अभी और सी रेशियो अबव 1 प्रिडिक्ट्स दैट द डिमांड डिजाइन फैसिलिटी विल ऑपरेशनली फेल एंड क्यूएल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर 1:1 कर जाती है तो फैसिलिटी जो है वो ऑपरेशनली फेल हो जाएगी, डिजाइन वाइज फेल नहीं होगी, ऑपरेशनली फेल होगी, सॉरी स्ट्रक्चर वाइज फेल नहीं होगी, ऑपरेशनली फेल होगी। स्ट्रक्चर वाइज फेल का क्या मतलब है, अगर आपके पास रोड जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट जाए, वो ब्रेक कर जाए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फेलियर, और एक होते हैं ऑपरेशनल फेलियर। ऑपरेशनल फेलियर का क्या मतलब है, ब्रेकडाउन, यानी आपके पास जो रश बन जाता है, स्ट्रक्चरली रोड उसी तरह मेंटेन्ड है लेकिन रश इतनी बढ़ गई है कि वो उसकी कैपेसिटी से एक्सीड कर गया है। और चूंकि ये हम देखें, हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रोड, वी आर ओनली डिस्कसिंग द ऑपरेशनल कंडीशन ऑफ द रोड, ट्रैफिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब आपके पास वी और सी रेशियो 1 से बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है कि आपका डिजाइन फेल हो गया है और ऑपरेशनली फेल हो गया है, स्ट्रक्चरली फेल नहीं हुआ। स्ट्रक्चरली का मतलब क्या है कि रोड उसी तरह मेंटेन्ड है, रोड की सरफेस बिल्कुल गुड इनफ है, कंडीशन बिल्कुल बहुत अच्छी है, बट ऑपरेशनली फेल हो चुका है, यानी रश और क्यूज आपके पास जो है वो बन गई है, डिलेज कॉज हो गई। अच्छा, एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट फेज है ऑफ दिस लेक्चर। उसमें क्या है, आपके पास एक ऑपरेशनल एनालिसिस है और एक डिजाइन एनालिसिस। ऑपरेशनल एनालिसिस का क्या मतलब है, अगर आप कोई नया रोड बना रहे हैं तो नए रोड के लिए जो टेक्निक या जो तरीकेकार अडॉप्ट करेंगे आप, वो डिजाइन एनालिसिस होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रोड है और उस एग्जिस्टिंग रोड को आप एनालाइज करना चाहते हैं कि भाई ये जो रोड है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको थोड़ा सा आप स्टडी करना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग रोड को एनालाइज करने के लिए आपको ऑपरेशनल एनालिसिस के तरीकेकार को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर नाउ? ऑपरेशनल एनालिसिस किस लिए होगा,
टू एनालाइज द एग्जिस्टिंग रोड विच इज ऑलरेडी बींग विच इज ऑलरेडी बींग डिजाइंड। और डिजाइन एनालिसिस कौन से के लिए होगा, जो कि नया रोड होगा, अभी आप अभी बना नहीं है, आप इसको बना रहे हैं, उसके लिए आप डिजाइन कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, अच्छा जरा काइंडली ये फार्मूला नोट करें। ऑपरेशनल एनालिसिस जो है उसके लिए ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। नोट डाउन, ऑल द स्टूडेंट शैल नोट डाउन दिस फार्मूला। दिस इज वीपी is equal to V divided by PHF multiply by N multiply by FHV multiply by F of P. ये फार्मूला जरा आप नोट करें। ये फार्मूला किस चीज के लिए है सर? ये ऑपरेशनल एनालिसिस के लिए, एग्जिस्टिंग रोड की लेवल ऑफ सर्विस को फाइंड करने का तरीके का है। नोट किए जी, आप जरा नोट करें, मैं एक्सप्लेन करता हूं। शाबाश। नोट कर लिया सर। नोट कर लिया सर। नोट कर लिया। ओके गुड। अच्छा अब ये वीपी क्या है? वीपी इज द डिमांड फ्लो रेट, ठीक है। इट इज द डिमांड फ्लो रेट। वी आपके पास क्या है? वी इज द इट इज द डिजाइन फ्लो, ठीक है। पीएचएफ आपके पास क्या है? इट इज द पीक आवर फैक्टर। एफएचवी एन आपके पास क्या है? इट इज द नंबर ऑफ लेन्स ऑन द फैसिलिटी, ठीक है। एफएचवी क्या है? एफएचवी इज द फैक्टर फॉर हैवी व्हीकल्स। FP आपके पास क्या है? इट इज द फैक्टर फॉर प्रेजेंस ऑफ नॉन फेमिलियर, या इसको हम कह सकते हैं कि रोड यूजर फेमिलियरिटी फैक्टर, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इसको। ये नोट कर लिया। वीपी क्या है? वीपी, अच्छा अब अगर हमने एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कंडीशन मालूम करनी है, जरा इस पीछे इमेज में जाएं। लेट्स सपोज ये मेरे पास है, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस कंडीशन में मैंने जो लेवल ऑफ सर्विस फाइंड करना है इस ग्राफ से, तो मुझे कौन सी दो चीजें चाहिए? स्पीड, फ्लो रेट। मुझे चाहिए फ्लो रेट, और दूसरा मुझे क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड नहीं, डिमांड, ये फ्री फ्लो स्पीड। मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे चाहिए फ्री फ्लो स्पीड, और दूसरा मुझे क्या चाहिए? फ्लो रेट। फ्लो रेट, अगर ये दो चीजें मुझे मिल जाए तो क्या मैं लेवल ऑफ सर्विस फाइंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो अगर आप ये फार्मूला देखें, इस फार्मूले से बेसिकली हम क्या फाइंड करते हैं? वीपी। अब वीपी क्या है? वीपी, दिस इज वीपी, दिस इज द डिमांड फ्लो रेट, ये वीपी है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। इस फार्मूले से हम बेसिकली फाइंड करते हैं वीपी, एंड दिस वीपी इज द डिमांड फ्लो रेट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए? इसमें मुझे चाहिए V। V क्या है? V भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, लेकिन ये इट इज द पीक आवर फ्लो, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द पीक आवर, ठीक है। दिस इज द पीक आवर वॉल्यूम V, इट इज द पीक आवर वॉल्यूम। PHF आपके पास क्या है? इट इज द पीक आवर फैक्टर, इट इज द, ये ऑलरेडी पिछली क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पीक आवर फैक्टर। यस सर। ठीक है,
पीक आवर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ टू आवरली वॉल्यूम्स ना, एक आपके पास जो है वो क्या है आवरली सर होता है, और एक जो पीक और जो जिसमें मैक्सिमम आ जाता है उसका जो रेशियो होता है ना, उसे पीक आवरली वॉल्यूम होता है और एक आपके पास मैक्सिमम फ्लो रेट होता है, दोनों का जो रेशियो आप लेते हैं तो उससे पीक आवर फैक्टर आता है, ठीक है ना। अच्छा, एन आपके पास क्या है, एन इज द नंबर ऑफ लेन्स इन वन डायरेक्शन, ये बात जरूरी है जेन में, इन वन डायरेक्शन, अगर आप किसी रोड की लेवल ऑफ सर्विस फाइंड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, लेट सपोज दिस इज अ रोड, इसके इस साइड पे भी दो लेने हैं, इस साइड पे भी दो लेने हैं, ठीक है, इस साइड पे ट्रैफिक जा रही है अगर हम जीटी रोड की बात करें, और उस साइड पे ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ लेन्स इन, ये टोटल नंबर ऑफ लेन्स तो चार है लेकिन नंबर ऑफ लेन्स इन वन डायरेक्शन कितनी है, टू, ठीक है, तो एन आपके पास क्या होगा, एन वुड बी टू बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ लेन्स इन वन डायरेक्शन। एफ एच वी और एफ पी, एफ एच वी क्या है, इट इज द फैक्टर फॉर हैवी व्हीकल्स, ये वो फैक्टर है कि इस ये जो पीक आवर वॉल्यूम है, ये जो वी है, लेट सपोज अगर ये 3000 है तो इन 3000 में कितने परसेंट जो है वो हैवी व्हीकल्स शामिल हैं। अब ये फैक्टर फॉर हैवी व्हीकल्स है, उसका हम उसको हम काउंट करते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और एफ पी क्या है, ये जो व्हीकल्स हैं पीक आवर में, इसमें कितने रोड यूजर्स जो है वो फैमिलियर है और कितने अनफैमिलियर है। फैमिलियर और अनफैमिलियर का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसी रोड की लेवल ऑफ सर्विस फाइंड कर रहे हैं जो कि जिसमें जितने भी लोग उस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे पहली बारी नहीं मल्टीपल टाइम्स इस रोड के ऊपर जा चुके हैं और वो उस रोड की कंडीशन से फैमिलियर हैं, समझ आ रही है। और अगर कोई ऐसी रोड की ऑपरेशनल कंडीशन आप मालूम करना चाह रहे हैं कि जो आपके पास किसी रिक्रिएशनल स्पॉट तक जा रही है, यानी लेट सपोज आप मरी वाली साइट के रोड को डिजाइन का ऑपरेशनल कंडीशन फाइंड कर रहे हैं, कालाम वाली साइट का फाइंड कर रहे हैं, कोई रिक्रिएशनल स्पॉट है, तो रिक्रिएशनल स्पॉट पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि फर्स्ट टाइम उस जगह पे ट्रेवल कर रहे होंगे, उस रोड को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो तब ये फैमिलियरिटी का जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर नाउ। और अगर कोई ऐसी रोड आप बना रहे हैं जो कि नॉर्मल रोड है, तो नॉर्मल कंडीशन में रोड की फैमिलियरिटी फैक्टर 1 होगा, यानी 1 का मतलब क्या है कि 100% रोड यूजर्स जो हैं वो इस इलाके से, इस रोड से वाकिफ हैं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर, आ रही है। यस सर, ठीक है। अब आई होप ये जो वी है, पीएचएफ है और एन है, ये तो ऑलरेडी क्लियर होगा। एफएचवी और एफपी भी ऑलरेडी क्लियर है। एफएचवी का अपना फार्मूला है हमारे पास, एफएचवी को फाइंड करने का अपना फार्मूला है, ये भी जरा काइंडली नोट करें, शाबाश अपने सब। सर ये जरा पॉइंटर उधर कर दें। ओके, यस सर, नोट कर लिया सर। अच्छा, इस नो नोट कर लिया। यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एफ एच वी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी टी इन टू ई टी माइनस 1 प्लस पी आर इन टू ई आर माइनस 1, ठीक है। ठीक है, तो
1 divided by 1 plus PT. What is PT? It is the proportion or percentage of trucks in the heavy vehicles. Achha, heavy vehicles mein do cheeze yahan pe include ki gayi hai. Yahan pe heavy vehicles mein trucks aur buses alag-alag se include kiye gaye hain. Aur jo aapke paas PR hai, jisme recreational vehicles hain, recreational vehicles ko alag se consider kiya gaya hai heavy vehicles mein. Ab trucks kya hain? 1 divided by 1 plus PT into ET minus 1 plus PR into ER minus 1. PT is the percentage of trucks. PR is the percentage of recreational vehicles. ठीक है अब ER और ET क्या है ER ET is the passenger car equivalent for trucks and ER is the passenger car equivalent for recreational vehicles. यानी ET क्या है हम एक passenger car को हम convert करते हैं into एक truck को हम convert करते हैं into passenger cars. तो ये एक passenger car का equivalent factor है एक truck का equivalent factor hai of the to the passenger car yani ek truck kitne passenger car ke barabar hain samajh aa rahi hai to ye equivalent factor hai for trucks aur ye equivalent factor hai for recreational vehicles ab trucks aur recreational vehicles mein kya fark hai truck aur buses to already jo normal road ke upar chal rahi hoti hain aur ye jo tasveer aapko nazar aa rahi hai ye recreational vehicles hain ye jo imran khan ka container tha ya jo aksar actors wagaira hain वो अपने लिए ये स्पेशल किस्म की गाड़ियां बनाते हैं ये रिक्रिएशनल व्हीकल्स में आती हैं ठीक है ना दीज आर द रिक्रिएशनल व्हीकल्स पाकिस्तान में तो खैर बहुत कम है लेकिन बाहर की दुनिया में अक्सर होती हैं इस वजह से इन्होंने रिक्रिएशनल व्हीकल्स को अलग से कंसीडर किया है इन द हैवी व्हीकल्स क्लियर होगी बात अब पीटी और ईटी क्या है यहां पे पीटी इज द परसेंटेज अगर ये पीटी आपके पास ट्रक्स जो हैं वो 10% है तो PT आप क्या लेंगे? What would be PT? 10% की जगह 0.10 आप लेंगे, ठीक है? अगर PR आपके पास 5% है, तो आप क्या लेंगे? 0.05 लेंगे, ठीक है? अब ER क्या है और ET क्या है? ER आपके पास और ET आप निकालेंगे इस टेबल से. This is the table for ER and ET. ET लेवल टेरेन है रोलिंग टेरेन है और माउंटेनियस टेरेन है हमारे पास थ्री टेरेन्स हो सकती हैं थ्री टेरेन्स का मतलब क्या है रोडवे सरफेस अगर आपके पास लेवल टेरेन है तो इट मींस कि रोड सरफेस कंप्लीटली लेवल है देयर इज नो अप्स एंड डाउन्स अगर आपके पास रोलिंग है तो रोलिंग का मतलब क्या है कि पीक टेरेन नहीं है मॉडरेट स्लोप्स हैं मॉडरेट स्लोप्स मतलब कहीं पे सीधा है कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है फिर कहीं पे ऊपर है कभी सीधा है कहीं पे नीचे है तो ये क्या कहलाता है ये रोलिंग टेरेन कहलाता है और माउंटेनियस टेरेन कौन सा होता है जो कि या तो कंप्लीट पीक की तरफ जा रहा हो या फिर कंप्लीटली टुवर्ड्स जो है डाउनग्रेड हो तो ये बेसिकली आपके पास माउंटेनियस टेरेन है अब जो आपके पास लेवल टेरेन है उसका ग्रेड क्या होता है 0% समझ आ रही है उसका ग्रेड क्या होता है 0% और जो आपके पास रोलिंग टेरेन है तो रोलिंग टेरेन की जो स्लोप्स हैं वो आपके पास थ्री टू 4% से कोई भी स्लोप ज्यादा नहीं होता 3% या 4% के दरमियान सारी की सारी स्लोप्स होती हैं समझ आ रही है ना 3% और 2% 3% 4% इसके लगभग जो है वो सारी की सारी स्लोप्स होती हैं या अप 3% या डाउन 3% तो इसी के रेंज में होती है ये आपके पास रोलिंग टेरेन कहलाता है जबकि माउंटेनियस टेरेन जो है वो अप टू 7% या 7% से भी जो ज्यादा होती हैं स्लोप्स वो आपके पास क्या कहलाती है वो माउंटेनियस टेरेन में आ जाती है इज दिस क्लियर नाउ यस सर ओके अब अगर आपके पास लेवल टेरेन है तो ईटी की वैल्यू क्या लेंगे 1.5 और ईआर की वैल्यू क्या लेंगे 1.2 अगर आपके पास रोलिंग टेरेन है तो तब ईटी की वैल्यू क्या लेंगे 2.5
और ER की वैल्यू लेंगे 2। अगर आपके पास माउंटेनियस टेरेन है तो ET की वैल्यू 4.5 लेंगे और ER की वैल्यू जो है वो 4 लिया जाएगा। ठीक है, तो आपने जो ET और ER की वैल्यू आपने स्टेबल से उठानी है और PT और PR की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगी, या अगर आप कोई एक्चुअल डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको PT और PR की वैल्यू आपको ट्रैफिक काउंट स्टडी से लेना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि इस पे पैसेंजर ट्रक्स कितनी हैं और रिक्रिएशनल व्हीकल्स कितनी हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास रिक्रिएशनल व्हीकल जीरो होती है पाकिस्तान में, लेकिन परसेंटेज ऑफ ट्रक्स और बसेस जो है वो फिर होती हैं, तो उसकी परसेंटेज को आपने यहां पे लेना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, ड्राइवर्स पॉपुलेशन फैक्टर। व्हाट इज ड्राइवर्स पॉपुलेशन फैक्टर, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कितने परसेंट रोड यूजर्स जो है वो फैमिलियर है विद द रोड कंडीशन। तो अगर आप किसी कोई ऐसी रोड बना रहे हैं कि जो किसी प्लेन एरिया में है तो प्लेन एरिया के लिए यूजुअली 1 लिया जाता है, लेकिन जब आप किसी माउंटेनियस टेरेन में रोड बना रहे हैं और कोई रिक्रिएशनल स्पॉट्स वहां पे मौजूद है तो फिर आप जो है वो फैमिलियरिटी कम लेते हैं, यानी 15% सेफ्टी मार्जिन देते हैं उन लोगों के लिए, ताकि रोड जो है वो उस की मतलब लेवल ऑफ सर्विस को बेटर बनाने के लिए, ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, और उनकी परसेंटेज को कंसीडर किया जाता है इनटू द डिजाइन एज वेल। तो 1 का मतलब क्या है कि 100% रोड यूजर्स फैमिलियर हैं, और 8.85 का मतलब क्या है कि 85% रोड यूजर फैमिलियर हैं और 15% जो है वो कंप्लीटली न्यू है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम उस जगह पे आ रहे हैं। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। ओके सर। अब ऑपरेशनल कंडीशन जब आपको मिल जाती है, मैंने आपको बताया फ्री फ्लो फ्लो रेट आपको मिल जाएगा, तो फ्लो रेट के साथ साथ आपको एक दूसरी चीज भी चाहिए, और वो क्या है? फ्री फ्लो स्पीड। ठीक है, एक तो आपको ये देखें ग्राफ आप देखें, फ्लो रेट आपको चाहिए। फ्लो रेट के लिए आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला यूज करेंगे, उससे आप फ्लो रेट मालूम कर लेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, आपको चाहिए फ्री फ्लो स्पीड। तो फ्री फ्लो स्पीड के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, फ्री फ्लो स्पीड इज इक्वल टू बेसिक फ्री फ्लो स्पीड माइनस FLW माइनस FLC माइनस FN माइनस FID। अब फ्री फ्लो स्पीड, ये भी जरा अपने पास नोट करें, दो फार्मूलाज आपने नोट करने हैं। ये फार्मूला है फॉर फ्री फ्लो स्पीड डिटर्मिनेशन एंड ये फार्मूला है फॉर फ्लो रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो जरा शाबाश अपने साथ फ्री फ्लो स्पीड का फार्मूला भी नोट करें, ये भी आसान फार्मूला है, ये सारे फैक्टर्स आपको गिवन होती हैं। जी शाबाश, जल्दी से नोट कर लें प्लीज। नोट कर लिया यस सर। अच्छा, दिस इज BFFS क्या है, बेसिक फ्री फ्लो स्पीड। बेसिक फ्री फ्लो स्पीड क्या है, इट इज द फ्री फ्लो स्पीड फॉर अ फ्रीवे, यानी मैक्सिमम फ्री फ्लो स्पीड आपके पास क्या हो सकती है किसी भी हाईवे के लिए, तो वो यूजुअली सॉरी किसी भी फ्रीवे के लिए, तो ये 70 लिया जाता है फॉर अर्बन एंड सब अर्बन फ्रीवेज और 75 लिया जाता है फॉर रूरल फ्रीवेज। तो आपने आपके पास बेसिक फ्री फ्लो स्पीड क्या होगा, 70 होगा अगर आप अर्बन और सब अर्बन फ्रीवे को डिजाइन कर रहे हैं, और 75 होगा अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप फ्रीवे डिजाइन कर रहे हैं या फ्रीवे की ऑपरेशनल कैपेसिटी मालूम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर रूरल रीजन में है तो बेसिक फ्री फ्लो स्पीड आपके पास 75 होगा। ठीक है, अब FLW क्या है, इट इज द फैक्टर फॉर लेन विड्थ, L फॉर लेन, W फॉर विड्थ, इट इज द एडजस्टमेंट या फैक्टर फॉर लेन विड्थ। ठीक है, यानी अगर आपके पास लेन विड्थ बढ़ती है तो फ्री फ्लो स्पीड पे इफेक्ट जो है वो कम होगा, अगर आपके पास लेन विड्थ जितनी कम होगी उससे आपके पास स्पीड जो है वो डिस्टर्ब होगी। आप खुद जरा सोचें, एक रोड है ऐसी बनी हुई है, बिल्कुल 12-12 फीट की एक एक लेन है 12-12 फीट, और दूसरी वही रोड है जिसमें 9-9 फीट की
लेन दी गई है, तो क्या 12 फीट पे ज्यादा स्पीड पे आप जा सकते हैं या आप नो नो वाली फीट पे जो है आप ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगे? 12 फीट पे, क्योंकि 12 फीट पे ये होगा फ्रीडम टू मैन्यूवर ज्यादा होगा ना। अब फ्रीडम टू मैन्यूवर ज्यादा होगा तो स्पीड जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। तो अगर आप फैक्टर फॉर लेन वेट क्या है, जितनी लेन वेट कम होगी उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी और उतना ही ये उसकी स्पीड को डिस्टर्ब करेगी। और अगर आपके पास फैक्टर ये जितनी आपके पास लेन वेट बढ़ेगी तो उस द इफेक्ट वुड बी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, यानी बेसिक फ्री फ्लो स्पीड को वो खराब नहीं करेगी, कम नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। दिस इज द FLC, फैक्टर फॉर लेटरल क्लियरेंस। लेटरल क्लियरेंस का क्या मतलब है? लेटरल क्लियरेंस का मतलब ये है कि ये जो शोल्डर साइड पे क्लियरेंस होती है, लेट सपोज ये एक रोड आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड आप बना रहे हैं, ठीक है, ये दो लेने हैं, ठीक है, और उस साइड पे ये मीडियन है और फिर ये दो लेने हैं। अब यहां पे गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो उसके इस साइड पे क्या क्लियरेंस है टू द शोल्डर साइड और इस साइड पे कितनी क्लियरेंस है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेटरल क्लियरेंस यानी जितनी क्लियरेंस ज्यादा होगी उतनी ही स्पीड पे जो इफेक्ट है वो कम बन आएगा। जितनी ये क्लियरेंस ज्यादा होगी यानी खुले एरिया, आप अगर आप किसी आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आप जो है वो किसी टनल के अंदर जा रहे हैं और तो तब आपका स्पीड इफेक्ट होगा, या उसके मुकाबले में अगर आप कोई खुली एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं, जितना लेटरल क्लियरेंस आपके पास ज्यादा होगा उतना आप ड्राइवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है और उसकी स्पीड जो है वो इफेक्ट नहीं होती। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो जितनी लेटरल क्लियरेंस आपके पास ज्यादा होगी, ठीक है, तो उतनी ही लेटरल क्लियरेंस बेसिकली ये शोल्डर साइड पे क्लियरेंस होती है। शोल्डर साइड मतलब ये जो मेन रोड होती है, और पिछली क्लासों में अगर आपको याद हो मैंने क्रॉस सेक्शन एक्सप्लेन किया था जब राइट ऑफ वे एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसमें क्या होती है, एक मेन रोड होती है आपके पास और इस साइड पे क्या होता है शोल्डर होता है पूरा सा, ये जो रीजन है ये शोल्डर होता है, ये मेन रोड है, फिर ये मीडियन है, फिर ये लेन है और फिर ये आखिर में ये दोबारा शोल्डर होती है। तो ये आपके पास मीडियन है, ये एक लेन है, ये दूसरी लेन है, सिमिलरली ये एक लेन है, ये दूसरी लेन है और ये आपके पास शोल्डर है, ठीक है। तो इसमें शोल्डर क्या होता है, ये एक राइट शोल्डर होता है और एक लेफ्ट साइड पे आपके पास शोल्डर होता है। शोल्डर मीन्स वो ग्रास शोल्डर होता है या वो रीजन जहां पे जिसको इन नॉर्मल लैंग्वेज फुटपाथ भी कह सकते हैं, या वो रीजन जिसमें अगर किसी ने गाड़ी पार्क करनी है तो वो अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सकता है, तो वो शोल्डर रीजन कहलाता है। तो वो भी क्लियरेंस, जितनी आपके पास शोल्डर रीजन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि उतनी आपके पास लेटरल क्लियरेंस ज्यादा है। FN, एडजस्टमेंट फॉर नंबर ऑफ लेन्स। एडजस्टमेंट फॉर नंबर ऑफ लेन्स क्या है कि कितनी नंबर ऑफ लेन्स है? अब आप खुद मुझे बताएं, जब नंबर ऑफ लेन्स कम होंगी तो उससे स्पीड इफेक्ट होगी, या नंबर ऑफ लेन्स ज्यादा होगी उससे स्पीड इफेक्ट होगी? नंबर ऑफ कम होगी। जब नंबर ऑफ लेन्स कम होंगी तो उससे गाड़ियों की स्पीड इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? रिड्यूस हो जाएगी ना। एग्जैक्टली सर। और जब नंबर ऑफ लेन्स बढ़ेंगी, इफ द नंबर ऑफ लेन्स आर 3, 4, 5 बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, स्पीड पे इफेक्ट कम आएगा, ठीक है। तो दिस इज द फैक्टर फॉर नंबर ऑफ लेन्स। और लास्ट में दिस इज द फैक्टर फॉर इंटरचेंज डेंसिटी, FID। इट इज द फैक्टर फॉर इंटरचेंज डेंसिटी। इंटरचेंज डेंसिटी का क्या मतलब है कि पर माइल कितनी जो है आपके पास इंटरचेंजेस आ रही है, यानी इंटरचेंज का क्या मतलब है। पहला इंटरचेंज आपका अगर आप मोटरवे की बात करें तो वो पिशावर पे है, दूसरा इंटरचेंज आपका किधर है, चारसद्दा में है, और तीसरा इंटरचेंज आपका किधर है, मरदान में, ठीक है ना।
तो ये देखें, ये एक इंटरचेंज और दूसरा इंटरचेंज कितने फासले के बाद एक इंटरचेंज आ रहे हैं। अगर ये इंटरचेंज करीब करीब आ रही हैं, इफ द इंटरचेंजेस आर वेरी क्लोज तो तब क्या होगा, और इफ द इंटरचेंजेस आर वेरी फार तो तब क्या होगा? जब नजदीक होगी तो मतलब स्पीड कम होगी क्योंकि ड्राइवर को डर होगा कि ज्यादा होगा। शाबाश, जब नजदीक होंगी तो उससे स्पीड डिस्टर्ब होंगी गाड़ियों की, और जब दूर दूर होंगी तो उससे स्पीड डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तमाम जो है फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स आप कहां से लेंगे, ये हमारे पास ये मुख्तलिफ टेबल्स बनी है, इससे आप ले सकते हैं। देखें, पहला है फैक्टर फॉर लेन विड्थ। अगर लेन विड्थ आपके पास 12 फीट या 12 फीट से ज्यादा है तो रिडक्शन इन स्पीड क्या होगी? 0%, जीरो, देयर वुड बी नो रिडक्शन इन स्पीड। अगर जितनी लेन विड्थ रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी स्पीड जो है वो उससे इफेक्ट हो जाएगी, समझ आ रही है। अब एक फीट रिड्यूस हुई तो 1.9 माइल्स पर आवर जो है वो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपके पास 2 फीट रिड्यूस हो गई है, अप टू 10 तक आ गई है, तो 6.6 माइल्स पर आवर पे तक जो है वो स्पीड में रिडक्शन आ जाएगी। क्लियर होगी बात? यस सर, दिस इज एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर लेटरल क्लियरेंस। लेटरल क्लियरेंस मींस शोल्डर वाली साइड पे, अगर शोल्डर वाली साइड तकरीबन 6 फीट तक है, इफ द राइट साइड शोल्डर इज अप टू 6 फीट तो तब जो है, एंड इफ द नंबर ऑफ लेन्स आर 2 तो तब भी ये रिडक्शन, नंबर ऑफ लेन्स आर 3, 4 इवन अप टू 5, ये स्पीड में रिडक्शन क्या होगी? जीरो। लेकिन जितनी आपके पास शोल्डर है, लेट सपोज कोई क्लियरेंस नहीं है, शोल्डर सिरे से मौजूद ही नहीं है, टनल है अंदर, तो तब जो है अब ये जो है ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेन्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ लेन्स कम है तो स्पीड के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ज्यादा रिडक्शन होगी। और जितनी नंबर ऑफ लेन्स बढ़ेगी तो तब जो है स्पीड के ऊपर इफेक्ट या रिडक्शन इन स्पीड क्या होगी? कम होगी, कम होगी। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके सर, ये और जी सर, जी ये लेटरल क्लियरेंस थोड़ा दोबारा समझाए सर। लेटरल क्लियरेंस मैंने समझाया था ना, शोल्डर, ये देखें आप टनल की अंदर जा रहे हैं तो ये शोल्डर वाली साइड पे कितना ओपन एरिया है, ओपन स्पेस, जितना आप देखें, जितनी आप एक तंग गली में जा रहे हैं तो आपको लेट सपोज एक तंग गली में देता हूं, दोनों दीवारें हैं और एक तंग गली है जिसमें सिर्फ एक एक बंदा जा सकता है, तो क्या उसमें आप दौड़ सकते हैं? नो सर, नहीं दौड़ सकते, क्योंकि आपको डर होता है ना कि कहीं से मैं किसी दीवार से टकरा ना जाऊं। और अगर आपके पास कोई ऐसी गली है जो कि 10 फीट वाइड है, बिल्कुल 10, जिसमें एक गाड़ी भी जा सकती है, और आपको मैं अकेले कहूं कि यार इसमें दौड़ लगाएं, तो क्या इसमें आप आसानी से दौड़ लगाएंगे, या जो एक तंग गली है जिसमें सिर्फ अकेले आप ही जा सकते हैं? ठीक है ना, तो जितनी आपके पास लेटरल क्लियरेंस ज्यादा होगी उतनी ही फ्रीडम टू मैनेवर ज्यादा होगा, और उतनी आपके पास लेटरल क्लियरेंस मींस के रोड के आसपास की जो खुली जगह है गाड़ी के राइट साइड पे, समझ आ रही है? शोल्डर वाली। यस सर। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ लेन्स के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर है। अगर आपके पास नंबर ऑफ लेन्स 5 है या 5 से ज्यादा है तो एडजस्टमेंट क्या होगी आपके पास? जीरो। मतलब ये है कि देयर वुड बी नो रिडक्शन, जितनी नंबर ऑफ लेन्स ज्यादा होंगी उतना फ्रीडम टू मैनेवर ज्यादा होगा और उतना स्पीड के ऊपर इफेक्ट जो है वो कम आएगा। सिमिलरली फोर के लिए इफ नंबर ऑफ लेन्स रिड्यूस हो जाती है अप टू 2 तक, तो 2 से 2 की 2 पे तकरीबन 4.5 माइल्स पर आवर जो है वो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली दीज आर द एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर इंटरचेंज डेंसिटी। अगर आपके पास 0.5 इंटरचेंजेस है पर माइल, 0.5 इंटरचेंजेस पर माइल का क्या मतलब है सर? 2 माइल में एक इंटरचेंज, कि 2 माइल के बाद एक इंटरचेंज। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगर आपके पास 2 माइल है, ठीक है, 2 माइल का डिस्टेंस है और एक इंटरचेंज 2 माइल के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? द इंटरचेंजेस पर माइल क्या हुआ? 1 / 2, यानी एक इंटरचेंजेस है 2 माइल के बाद,
तो 1/2 इज 0.5 इंटरचेंजेस पर माइल. 1 का क्या मतलब है? हर एक माइल. 1 का मतलब क्या है कि हर एक माइल के बाद एक इंटरचेंज आ रहा है, सही है ना? और 2 का क्या मतलब है? एक माइल में 2 इंटरचेंजेस आ रही हैं, ठीक है. तो दिस इज हाउ आप इंटरचेंजेस पर माइल जो है आप डिटरमाइन करते हैं. तो अगर आपके पास 0.5 आ रहा है तो तब आपके पास एडजस्टमेंट या रिडक्शन इन स्पीड क्या होगा? 0. इसका मतलब है कि इंटरचेंज के दरमियान फासला 2 माइल या 2 माइल से ज्यादा है, ठीक है ना. ये दूर दूर इंटरचेंज, तो जितने इंटरचेंज दूर दूर होंगे उतने ही आपके पास रिडक्शन इन स्पीड कम होगी. और अगर 2 की तरफ हम जाते हैं, इसका मतलब है कि 1 माइल के अंदर 2 इंटरचेंजेस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? द रिडक्शन इन स्पीड वुड बी हाई एंड इट विल रिड्यूस द ओवरऑल स्पीड बाय 7.5 माइल्स पर आवर. क्लियर होगी बात? यस सर. सॉल्व करते हैं फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं. उसके बाद इसका नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट क्लास में जो डिजाइन एनालिसिस है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये जो ऑपरेशनल वो आज की क्लास में खत्म करते हैं. दिस इज द न्यूमेरिकल. अ 6-lane अर्बन फ्रीवे हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. एक रोड है, कौन सी रोड है? हर एक सेंटेंस को आपने गौर से देखना है. कितनी नंबर ऑफ लेन्स हैं? 6 लेन. अब अ 6-lane अर्बन फ्रीवे है, 6 लेन का मतलब क्या है कि हर एक डायरेक्शन में कितनी कितनी लेने हैं? 3 लेने हैं, समझ आ रही है? टोटल 6 लेन्स है, पर डायरेक्शन कितनी है? 3-3. और कौन सी रोड है? फ्रीवे है, लेकिन अर्बन फ्रीवे है या रूरल फ्रीवे है? अर्बन, ठीक है. तो ये तीनों चीजें आपने नोट करनी है क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग टेबल है, सही है ना. तो आपके पास अर्बन फ्रीवे है, ठीक है, और जिसमें 6 लेने हैं, 3 लेन्स पर डायरेक्शन, 12 फीट लेन्स है, यानी आपके पास हर एक लेन कितनी कितनी फीट है? 12 फीट. एक लेन की विड्थ जो है वो कितनी कितनी है? 12 फीट. और 6 फीट आपके पास क्लियरेंस है. तो अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा? ये देखिए, ये मीडियन हो जाएगा. ये एक लेन, ये दूसरी लेन, ये तीसरी लेन. यहां पे एक लेन, ये दूसरी लेन, ये तीसरी लेन, ठीक है. दिस इज लेन नंबर 1, दिस इज लेन नंबर 2, दिस इज लेन नंबर 3. अब हर एक लेन की विड्थ जो है वो कितनी है? वो 12 फीट. ये भी 12 फीट, ये भी 12 फीट, और ये भी 12 फीट. क्लियर होगी बात? ये टोटल लेन्स आपके पास कितनी है? 6, ठीक है. अब देयर इज 6 फीट क्लियरेंस. तो यहां पे ये दिस वुड बी शोल्डर. यहां पे हम ले लेते हैं शोल्डर. इसको मैं लाइंस के थ्रू मार्क कर देता हूं. दिस इज द शोल्डर, ठीक है. अब शोल्डर की विड्थ कितनी है? 6 फीट. क्लियर होगी बात? एंड राइट साइड शोल्डर इज 6 फीट. क्या है? द टेरेन इज रोलिंग टेरेन है आपके पास. तो टेरेन आपके पास क्या है? रोलिंग. तो ये भी जहन में रखना है, शाबाश. टेरेन आपके पास क्या है? रोलिंग टेरेन. एन इंटरचेंज डेंसिटी इज 1 इंटरचेंज पर माइल, ठीक है. इंटरचेंज डेंसिटी आपके पास क्या है? 1 पर माइल. एंड द पीक आवर फैक्टर इज 0.92. द ट्रैफिक कंसिस्ट ऑफ 8% ट्रक्स एंड नो रिक्रिएशनल व्हीकल्स. अब रिक्रिएशनल व्हीकल्स की परसेंटेज कितनी है? 0%, ठीक है. एंड ऑल ड्राइवर्स आर रेगुलर रोड यूजर्स. ऑल ड्राइवर्स आर रेगुलर रोड यूजर्स. इसका मतलब क्या है? फैमिलियर वाली वो 0. कम्युनिटी फैक्टर है वो क्या है? 1 है. 100% रोड यूजर्स जो हैं वो आपके पास फैमिलियर है. एंड द पीक आवर वॉल्यूम ऑन द फैसिलिटी इज 3600 व्हीकल्स पर आवर. यानी ये 3600 आपके पास क्या है? कैपिटल वी. यानी अभी जो करंट ट्रैफिक इसके ऊपर जा रही है, जो पीक आवर वॉल्यूम है वो 3600 है. आपसे पूछा गया है कि करंट लेवल ऑफ सर्विस ऑफ द फैसिलिटी क्या है. आपने लेवल ऑफ सर्विस फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? लेवल ऑफ सर्विस फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा किस चीज के ऊपर? ग्राफ के ऊपर. इस ग्राफ के लिए सबसे पहले तो मेरे पास 2 ग्राफ्स हैं, ठीक है. कौन से ग्राफ को मैं यूज करूंगा? फ्रीवे वाला ग्राफ यूज करूंगा या मल्टीलाइन वाला ग्राफ यूज करूंगा? वाला.
फ्रीवे वाला क्वेश्चन जो है वो फ्रीवे का है। अब जब मैं फ्रीवे के ग्राफ पे जाता हूं तो मुझे कौन सी दो चीजें चाहिए? एक मुझे चाहिए फ्लो रेट और फ्री फ्लो स्पीड, और दूसरा मुझे चाहिए फ्री फ्लो स्पीड। फ्री फ्लो स्पीड, ठीक है, ये दो चीजें मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूं फ्लो रेट के फार्मूले के ऊपर। ये फ्लो रेट वाला फार्मूला है, Vp इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाय PHF इनटू N इनटू FHV इनटू FP। ये फार्मूला है कि नहीं है? yes, मैं जरा नेक्स्ट स्लाइड यहां पे ऐड कर देता हूं। अब मैं यहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां पे जो है मेरे पास फार्मूला क्या है, फ्लो रेट V इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाय PHF मल्टीप्लाई बाय N, PHF मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय हैवी व्हीकल्स, फैक्टर फॉर हैवी व्हीकल्स मल्टीप्लाई बाय FP मल्टीप्लाई बाय FP यानी फैमिलियरिटी फैक्टर, ठीक है ना। अब मुझे आप बताएं, जो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चला जाऊं तो क्वेश्चन में मुझे V क्या दिया गया है? 3600 V मुझे दिया गया है 3600। कहां से मुझे पता चला? ये अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं, ये V आपको 3600 दिया गया है। दिस इज द वॉल्यूम, पीक आवर वॉल्यूम जो क्या है 3600। क्लियर? यस सर। अब मेरे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? PHF पीक आवर फैक्टर कितना मुझे गिवन है? 0.92। कहां से गिवन है? जो कि जिन स्टूडेंट को समझ नहीं है वो यहां से क्वेश्चन में देखें, पीक आवर फैक्टर इज 0.92, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? N नंबर ऑफ लेंस, लेकिन एक डायरेक्शन में। दीज आर द नंबर ऑफ लेंस फॉर वन डायरेक्शन। अब बोथ डायरेक्शन के लिए नंबर ऑफ लेंस कितनी है? बोथ के लिए 6, लेकिन वन डायरेक्शन के लिए कितनी है? 3 लेंस हैं, तो मैं n की जगह क्या पुट करूंगा? 3। अच्छा, FHV को मैं फाइंड करता हूं, लेकिन FP की जगह क्या पुट करूंगा? 1 पुट करूं, क्योंकि 100% रोड यूजर्स आपके पास फेमिलियर हैं। अब मुझे यहां पे सिर्फ FHV चाहिए। सर, FHV की वैल्यू है 0.925। शाबाश, FHV की वैल्यू 0.925 है, लेकिन yes, FHV में कैसे फाइंड करूंगा? FHV का मेरे पास ये फार्मूला है। यस सर, इससे मालूम किया है सर। इससे आपने मालूम किया, शाबाश। लेकिन मैं जरा इसको डिलीट करता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि कैसे FHV के लिए फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करना है, FHV के लिए मुझे चाहिए PT और ET और PR और ER। तो PT में क्या करूंगा? दिस इज द परसेंटेज ऑफ ट्रक्स। अब परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कितनी है? अगर आप क्वेश्चन की तरफ हम जाएं, 8% तो, है सर, तो इसका 0.08 आएगा। एग्जैक्टली 8% ट्रक्स हैं और रिक्रिएशनल व्हीकल्स नहीं है। तो जब 8% ट्रक्स हैं तो आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट 0.08 और PR आपने क्या करना है, 0। जब PR 0 करेंगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना। यस सर, ठीक है। और मुझे ET है, तो ET की जगह मैं क्या पुट करूंगा? टेरेन मेरे पास कौन सा है? टेरेन रोलिंग है सर, ऑटो फर्स्ट, तो मैंने 2 लगाया था। अच्छा, ये 2.5 आपने यूज करना है। 2.5 क्यों यूज करना है? क्योंकि अगर क्वेश्चन में आप देखें तो जो टेरेन आपको बताया गया है वो है रोलिंग टेरेन। यहाँ पे आप देखें, जो टेरेन आपके पास है वो है रोलिंग टेरेन। यहाँ पे आप देखें, द टेरेन इज रोलिंग। तो जब रोलिंग टेरेन है तो रोलिंग टेरेन के लिए वैल्यू मेरे पास ईटी की क्या है? 2.5। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू पुट 2.5 हियर। शाबाश, तो ये 0.89 आ गया सर। दोबारा जरा कैलकुलेट करें सारे स्टूडेंट्स की, तमाम के साथ आंसर सही आ रहा है या गलत तो नहीं आ रहा है? 0.89 नहीं आ रहा है सर। 0.89
8.9 अच्छा 0.89 ठीक है, तो एफ एच वी इज 0.89 या जो भी है ठीक है, मुझे नहीं पता क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने ऐड नहीं किया, ये आपने खुद ही सॉल्व करना है ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। तो मेरे पास जो एफ एच वी है वो 0.89 है, यहां पे मैं पुट करूंगा क्या चीज 0.89। अब आपने क्या करना है, पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड गिव मी द आंसर। शाबाश, 3600 डिवाइडेड बाय 0.92 डिवाइडेड मल्टी बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.89 डिवाइडेड बाय 1। सर 1465 आ गया पूरा जवाब, 1465। इसका यूनिट क्या होगा? शाबाश, इट इज द यूनिट क्या है इसका, पैसेंजर कार पर माइल पर लेन, ये यूनिट लिखना है, जिसने यूनिट नहीं लिखा होगा उसके मार्क्स कटेंगे ठीक है। इट इज द पैसेंजर कार पर माइल पर लेन, कहां से यूनिट आया है, जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका भी यूज करेंगे ठीक है। तो दिस इज 1465 पैसेंजर कार पर माइल पर लेन, ये तो मेरे पास आ गया। दूसरा मुझे क्या चाहिए, फ्री फ्लो स्पीड मुझे चाहिए ठीक है। तो अगर हम फ्री फ्लो स्पीड की फार्मूले पे जाएं, तो फ्री फ्लो स्पीड का ये सामने आपके फार्मूला है, बेसिक फ्री फ्लो स्पीड में क्या लूंगा, शाबाश अर्बन वाला सर, आपके पास रूरल है या अर्बन है? सर अर्बन है तो 70 आएगा, क्वेश्चन में देखिए आपके पास अर्बन फ्रीवे है, तो जब आप अर्बन फ्रीवे है तो अर्बन के लिए बेसिक फ्री फ्लो स्पीड क्या लेंगे हम, 70। तो शाबाश, ये मेरे पास 70 ठीक है, माइनस फैक्टर फॉर लेन विड्थ। अब आप जरा क्वेश्चन में जाएं, लेन कितनी है, हर एक लेन की विड्थ कितनी है, 12 फीट इज द लेन विड्थ, तो फैक्टर फॉर लेन विड्थ मेरे पास क्या आएगा, 0.0 जीरो, तो ये मेरे पास एफ एल वी क्या होगा, 0। माइनस फैक्टर फॉर लेटरल क्लियरेंस, लेटरल क्लियरेंस कितनी है, 6 फीट है, 6 फीट, तो 6 फीट लेटरल क्लियरेंस है, और नंबर ऑफ लेंस कितनी है, 3 के सामने क्या आएगा वैल्यू, 0 होगा सर, 0 ये भी 0 हो जाएगा। माइनस फैक्टर फॉर नंबर ऑफ लेंस, नंबर ऑफ लेंस कितनी है इन वन डायरेक्शन, 3 तो दोनों डायरेक्शन में 6 या वन डायरेक्शन 3 हो जाएगी, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 3 और इंटरचेंज डेंसिटी कितनी है, 1 per mile है, तो 1 per mile के लिए क्या वैल्यू है, 2.5 तो दिस इज 2.5। तो शाबाश, मुझे बताएं 70 माइनस 3 माइनस 2.5 क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 64.5 माइल्स पर आवर। तो मुझे दोनों चीजें मिल गई, मुझे फ्लो रेट भी मिल गया और मुझे फ्री फ्लो स्पीड भी मिल गई। अब फ्लो रेट क्या है, 1465 ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद टेबल की तरफ जाऊंगा, इधर है मेरा टेबल, ये है फ्री फ्लो स्पीड वाला टेबल, ये टेबल है ठीक है। तो यहां पे मुझे v जो है वो है 1465 और सॉरी सर इसी में ही आता है ठीक है, और आपके पास जो स्पीड है, स्पीड 64.5 fs फ्री फ्लो स्पीड वो है 64.5 सर, सी कैटेगरी में आता है सर, सी है उसमें, ये mph है, और ये जो है आपके पास पैसेंजर कार पर माइल पर लेन,
ठीक है। अब ये है 1465, तो ये 1200 है, इसका बीच जो है वो 1400 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा इधर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं ऊपर चला जाऊंगा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और फ्री फ्लो स्पीड क्या है, 64.5, तो तकरीबन ये नहीं 1450 है, ये 1450 से थोड़ा सा आगे और 65 से थोड़ा सा नीचे, तो ये किस रेंज में आ रहा है, सी में सब सी ये आपके पास। तो इस तरह आपने फाइंड करनी है कि करंट कंडीशन में इस क्वेश्चन का लेवल ऑफ सर्विस क्या है, द लेवल ऑफ सर्विस इज सी सी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, द आंसर वुड बी, इसका आंसर क्या होगा, द लेवल ऑफ सर्विस इज सी 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 इज सी। तो इस तरह आप जो है करंट कंडीशन के लिए लेवल ऑफ सर्विस फाइंड कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. So I think that was all from my side today. Inshallah, next class में हम start लेंगे और हम design analysis के ऊपर एक नया road कैसे design करते हैं, उसके level of service के through हम number of lanes कैसे determine कर सकते हैं, ठीक है। So I hope कि आपको समझ आ गया हो। This is the end of the course till your midterm exam. इंशाल्लाह मिडटर्म एग्जाम के बाद, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका मिडटर्म एग्जाम है, उसके बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे और यहां से डिजाइन एनालिसिस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी स्टूडेंट सर, इस प्रॉब्लम में ये सिक्स लेन